गिर गया, बाढ़ आ गया, जमीन फट गया, ये हो गया नेचुरल। दूसरा कंस्ट्रक्शन का, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऊंचाई में काम कर रहे हैं, सीटिंग का काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं, हाइट पे काम करते हैं, और आप लोग का काम पूरा हाइटेक है, तो आप लोग का काम हाइट पे। इसमें अगर जल्दी के काम कीजिएगा तो दुर्घटना हो जाएगा ना जी। कभी भी अगर आपको लगा या ज्यादा हवा का जो बहाव है तेज है, काम रोक दीजिए। हाँ हाँ, इसीलिए, और हम लोग इसीलिए हम लोग रोकवा देते हैं काम, क्योंकि वो उसको कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। सीटिंग का 3 mm, 2 mm का उसका थिकनेस रहता है, ठीक है, 6 मीटर लेंथ रहेगा। आप अकेले या दो आदमी से नहीं संभाल पाएंगे। जब वो हिलता है ना, मैं देखता हूँ ना कैसे काम कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग काम करते हो तो एक्सपीरियंस है। हम लोग से ये काम ना हो पाएगा, क्योंकि जो काम किया रहता है उसको नॉलेज रहता है, नॉलेज रहता है ना। एक ट्रेन पे ट्रेन जो ड्राइवर आता है वही ऑपरेट कर सकता है, हम लोग नहीं। एक ट्रक ड्राइवर और ट्रेन में बहुत फर्क है, वो बहुत फर्क है। ट्रक तो आप चला रहे हैं लेकिन रेल अलग है, वो पटरियों पे चलता है, उस पर सिग्नल पे चलते हैं, और आप लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग क्यों, हम लोग दूसरे लोग को नहीं बुला सकते काम करने के लिए? कई लोग आए चले गए, आप लोग आने से पहले कई लोग आए थे चले गए। ग्लाइडिंग का काम करना उनको नहीं आता, बोलता सर मैं इतना दिन से हाइट पे कभी काम नहीं किया। तो क्लियर बोल दिया, जब नहीं किया तो नहीं करेगा। अगर आप अननोन पर्सन को भेज दूंगा काम करने के लिए तो अपने तो जाएगा और लोग को भी लेके जाएगा। सिटिंग जहां टूटा, रस्सी टूट गया या गलती कुछ हुआ, और डायरेक्ट वो दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन को आके वो गिर जाए, आपको कुछ नहीं होगा। जो नीचे बंदा है ना उसको सर काट सकता है, गला कट जाएगा, छम्मा कट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पता नहीं है ना, वो कुछ भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए हम आप लोग को बुलाया कि भाई आप लोग जो काम कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, और इनाम से कीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं हो, आगे भी आप लोग सब मिला मिला के 5 साल 6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। और हम चाहते भी इंशाल्लाह कि आगे कुछ हो नहीं आप लोग के साथ में, यहाँ आए हैं तो आप भी कि आराम से 0-0 में आप जाए आराम से घर। 10 साल काम किया, यहाँ के एक दुर्घटना हो गया तो फिर आपका 10 साल 0 हो जाएगा। और काम खत्म होने के बाद जो आपका लूज शीट होगा उसको बाय मेहरबानी वेटेड सामान से उसको रखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा अभी, या फिर बांध के जाइएगा। और हमारे यहाँ का मौसम कब बदल जाता है हमें पता नहीं है। अभी यूपी में शीट लगा, हाँ 3 जगह बांधा हुआ, अच्छी बात है, 3 जगह बांधा है, कोई समस्या है। यही बात है ना, जो काम करते हैं उसको एक्सपीरियंस आता है कि भाई कहां से ये उड़ के चला जाएगा नीचे, तूफान आ सकता है, तूफान आ जाएगा, पता नहीं इसलिए ब्लेम किस पे हो जाएगा, हमको दौड़ना पड़ेगा, हमको दौड़ना पड़ेगा का ये मसला वैसे दौड़ने की बात नहीं है। आप काम कर रहे हैं ना, आपके ऊपर ब्लेम हो जाएगा, आज आया ये कर दिया, और ऊपर में आप लोग के लिए एक फॉलेस्टर लगाया है ना बेड के लिए, वो लगा के काम कीजिएगा, ये नहीं उसमें आप बेड नहीं फंसाइएगा, बेड एकदम उसमें फंसाना है, कंपलसरी है। जहाँ पर आपको दिक्कत लगे आप लोग बताइएगा, वहाँ हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग को परेशान करेंगे, हम लोग का काम है आप लोग को बताते हैं। अभी जो हम ऊपर जा रहे हैं ना, हाँ, यहाँ तक के मैं मोबाइल लेकर जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी बंद करके नीचे छोड़, क्यों? क्योंकि ध्यान रख सकता है। अभी जिसमें आप काम करने आए ना उनसे ही पूछ लीजिएगा, 1 महीना पहले एक बंदा मोबाइल फोन बहुत यूज करते थे, और जस्ट आप ऊपर सेलो पे भी करने जा रहे हैं, सेलो पे हमारा इस प्लेटफॉर्म का काम हो चुका था, एक साइड में छोटा सा ओपनिंग था, साइड में ओपनिंग था, वो बंदा मोबाइल चलाने में इतने मशगूल था, इतने बिजी था कि वो जाके गिरा, और ऊपर वाले कर्म से वो हैंडलिंग पकड़ लिया, तो पकड़ा तो उसका आधा बॉडी का पार्ट वो नीचे चला गया, यानी कि वो बच गया। अगर वो हाथ नहीं पकड़ता तो वो डायरेक्ट 35 मीटर से वो 0 मीटर पर चला जाएगा। ये सब काम में आप या घर वाले हो चाहे फ्रेंड हो चाहे जो हो, उनको बोलते भाई हम आपसे शाम में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला काम बहुत रिस्की है, ये वाला काम बहुत रिस्की है। फोन अगर है तो कभी बार बार अगर घरों से कॉल आ रहा है, इमरजेंसी है तो बात कर लीजिए उतर के,
लेकिन उस दौरान में मोबाइल फोन बिल्कुल ही मत यूज कीजिएगा। जैसे भाई ने बोला, बहुत अच्छा बात बोला कि मैंने रख क्या, मोबाइल फोन ही बहुत जानलेवा है, चार्ज कीजिए उसके बाद आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको कहाँ घर है आप लोग का? झारखंड। कहाँ? धनबाद में। चलिए, वंदे भारत रिलीज हो गया ना धनबाद के, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से कीजिएगा काम। देखिए अभी हम लोग एक जो हम पहले जो ग्लेडिंग का काम कर रहे थे, स्टेप्स हम लोग को देखिए काम हो रहा था अनसेफ तरीके से, तो इसको हम लोग ने बंद किया। इनको बोला सही तरीके से काम हो। ये क्या किया, देखिए बेल्ट को पर्लिंग वगैरह में फंसा देते हैं जो कि ये लोड नहीं लेगा आपका। काम करना इस तरीके से, जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाया है, हम लोग ने एक आपने लगा दिया है पॉलिएस्टर, जो मैंने देखा भी पॉलिएस्टर लगा दिया है, बेल्ट पॉलिएस्टर में ही फंसाइए। और ये पॉलिएस्टर चाहे पॉलिएस्टर हो चाहे लाइफ लाइन हो, उस जगह पे इसको एंकरिंग करना है या लगाना है जहाँ पे आपका बॉडी का जितना वेट है 140 केजी उठाना चाहिए। तो आदमी का है 70 केजी 80 केजी तो ही है, तो उतना ये उठा सके उसी जगह पे इसको फिक्सिंग करना है। ये नहीं कि हाथी का दांत के जैसे मैंने बांध दिया सर कदम, वो बांधने से नहीं होगा, वो मजबूती जगह पे तो है, वो गिरे नहीं है। बाय चांस आप स्लिप कर गए तो ये आपको लोड लेना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास ये डिटेक्टिव फॉल अरेस्टर भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं इनको बोल दूंगा, ये आपको डिटेक्टिव फॉल अरेस्टर भी मिलेगा। ये पीछे बेल्ट के पीछे हम लोग लॉक करते हैं और उसको एक मोटी जगह पे हम लोग कहीं पे फिक्सिंग कर देते हैं, आप जहां जहां जाएंगे वो खुलता रहेगा और काम करते रहेंगे। ये भी हमारे पास है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये 16 मीटर का रहता है। देखिए आप लोग काम किया होंगे तो इस तरीके से आप लोग किए होंगे, हम लोग शिपिंग वर्क में और भी कहीं काम चलता है तो हम इस तरीके से हम लोग फिक्सिंग कर देते हैं। और ये हमारा पॉलिएस्टर भी रहेगा और रिलैक्सर लगा रहेगा, आराम से काम कीजिए। कि अगर बाय चांस पैर स्लिप कर गया, क्योंकि ये आपका इस तरीके से भी काम कर रहे हैं, अगर ऐसे भी काम किए होंगे आप लोग थोड़ा स्लोपिंग में, तो स्लोपिंग में और खतरा रहता है पैर स्लिप का चांस, थोड़ा सा अगर स्लिप हुआ आप डायरेक्ट 0 मीटर पे आ जाएंगे। तो इसमें ये आपको लाइफ लाइन लगाना बहुत ही कंपलसरी है और लगाते ही काम करना चाहिए, लगाते ही काम करना चाहिए। अब ये सोचिएगा नहीं ऐसी काम करते हैं सर ऐसी करेंगे, तो फिर आपको एक ना एक दिन आपको ये चपेट में ले लेगा, एक ना एक दिन आपको चपेट में ले लेगा। यहाँ कई लोग को मैं देखा हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे बोलते हैं सर इतना दिन से नहीं हुआ, वही दिन हो जाता है, बोल के आते हैं मैंने 10 साल से 20 साल सब कुछ नहीं, हम भी 20 साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह देखे हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जैसे बोले हैं कि हाँ भाई 4 दिन है 5 दिन में कर दो, कोई पहाड़ टूटने नहीं जा रहा। ऑलरेडी हमारा प्लांट ये चालू हो चुका है, ये ऑलरेडी हमारा प्लांट चालू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन है 5 दिन ले लिया, अभी इतना दिन से हमारा काम बंद हुआ तो कुछ हो गया नहीं ना, कुछ नहीं हुआ ना, आप लोग आए तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। 4 दिन में उनको टारगेट देंगे 4 दिन खत्म, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से काम कीजिए सर, नाम से तो भाई 2 दिन में नया इससे कराना करा ले, क्योंकि हमको सिचुएशन देख के डिसीजन ले सकते हैं। हां वही बात है, ऐसा नहीं कि हम बोल दियो बस नहीं, सिचुएशन जैसा आप उसमें से तो सिंपल सा बात है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। क्योंकि सुबह टाइम में क्या होता है थोड़ा सा हवा का बहाव कम रहता है, तो कोशिश कीजिए अगर सुबह से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने मुताबिक आप काम कीजिए, इसीलिए हम बोला। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने इंजीनियर्स और आपके जो सेफ्टी पर्सन है उनको बता दीजिएगा ताकि वो परमिट ले सके, क्योंकि हर एक काम के लिए हम लोग एक परमिट लेते हैं, बिना परमिट के काम नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमारा पहले परमिट होता है फिर उसके बाद आपका काम होता है। अगर आप 8 बजे आते हैं तो ये लोग टीवी भी कराते हैं, टीवी में रहना उसके बाद आप काम पे चले जाइएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारा भी काम होता है, जैसे रूफिंग और रूफ में काम होता है, जैसे आप ये अभी काम कर रहे हैं, आप ये भी काम कर रहे हैं। देखिए डिटेक्टिव फॉलेस्टर भी लगा लिए हैं, बेल्ट भी फंसा लिए हैं, डबल प्रोटेक्शन हो गया डबल, अगर बाय चांस एक छूटा तो दूसरा आपको पकड़ लेगा, एक छूटा तो दूसरा पकड़ेगा, अगर आप एक ही पे चल रहे हैं भरोसे पे तो अगर एक छूटा तो फिर 0 पे। तो ये कभी भी हाइट पे हम लोग डबल प्रोटेक्शन लेते हैं, एक हमारा काम नहीं किया तो दूसरा करना ही करेगा, तो ये डबल देते हैं, ये फॉरेस्टर लगा दिया पीछे और बेल्ट भी एंकरिंग हो गया, ताकि अगर आप स्लिप करते हैं या आपने बेल्ट फंसाना भूल गए स्लिप कर गए तो ये आप लटक जाएंगे, पैसे आप बच जाएंगे।
आप बच जाएंगे सिटिंग वर्क। ये इसका मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास इसका नाम है इंडक्टिव फॉलो लिस्ट, ये हमारे पास है, इनके पास है, कल चाहिए कल ये लग जाएगा, ये बेल्ट के पीछे लगेगा, ये बेल्ट के पीछे लगता है। ये यूज किया कभी आप लोग? यूज किया झटका, झटका इसमें लगेगा और ये आप लटक जाएंगे। ये 12 मीटर 16 मीटर ये सब सब लगा रहते हैं, कहीं पे आपको प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं पे जुगाड़ नहीं है, इसको सिर्फ ऊपर से आपको मजबूती जगह पे इसको फिक्स करना है और ये बेल्ट के पीछे आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये काम आपका करता रहेगा। ये बहुत अच्छा चीज है आपको बचाने के लिए, ये बचाता है गिरने से, गिरने से आपको ये बचाएगा। देखिए लास्ट में ऐसा नहीं जाना है, ऐसा घर नहीं जाना है, इस तरीके वाला समझ गया ना, इस तरीके से आपको घर नहीं जाना है कि आदमी उठा के लेके जाते, हाँ जैसे आए थे वैसे ही जाना है घर, ठीक है ना। तो और बेल्ट फंसाना भूलिएगा मत ऊंचाई पे, एकदम खाना भूल जाइए एक टाइम, लेकिन बेल्ट फंसाना मत भूलिएगा ऊंचाई पे, बहुत रिस्क काम है ये जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है।